आज हम जानने वाले हैं अरेलिया के पौधे के बारे में। ये एक स्मॉल ट्री की तरह होता है और इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। ये गोल एकदम कटोरे की तरह पत्तियाँ दिखती हैं। नीचे से देखिए, इसका जो तना है काफ़ी मोटा हो जाता है, बट ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसकी हाइट जो है मैक्सिमम, अगर आप ज़मीन पर लगाएंगे तब ये 5 से 6 फीट का होता है। अदरवाइज़ ये किसी भी नॉर्मल 10 इंच के 20 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं और ये एक मिनी ट्री की तरह बन जाता है। इसको जो है आप बोनसाई भी बना सकते हैं। इसकी लीफ बहुत सुंदर लगती हैं कटोरी की तरह, तो इसका बोनसाई बहुत सुंदर लगता है। इसको मिट्टी आपको सिर्फ मॉइस्ट रखनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आप 3 से 4 दिन में इसको पानी देंगे तो भी अच्छा होगा। सॉइल जो इसके लिए यूज़ करनी है वो रेगुलर गार्डन सॉइल यूज़ करनी है और ड्रेनेज इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का फ्लावर नहीं आता है, बट ये प्लांट जो है अपने आप में देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस प्लांट को ज़्यादातर जो है सनलाइट की ज़रूरत होती है, शेड में ये उतना अच्छा नहीं रहता है, और अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो उसकी लीफ भी उतनी अच्छी नहीं होती है। ये वाला हमने पॉट में लगा रखा है। इसकी देखिए स्टेम कितनी अच्छी सुंदर लग रही है। आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप इस तरह की मजबूत एक स्टेम को चूज़ कर लीजिए और उसको आप काट लीजिए कम से कम 6 इंच के टुकड़ों में और उसे लगा दीजिए। बारिश के दिनों में ये बहुत ही जल्दी लगता है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ सीधी हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे आप जो वाटरिंग है पेड़ को नहलाते हुए वाटरिंग करें तो इसकी पत्तियाँ काफ़ी चमकदार और गोल होती हैं। अगर आप इसकी पत्तियाँ किसी कपड़े से साफ़ करेंगे तो ये पौधा अपनी लीफ को और भी सुंदर देखिए इस तरह से रखता है। यह पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है, तो आप इसे कटिंग से ज़रूर लगाएं। इस पौधे की एक और वैरायटी आती है जो ग्रीन और वाइट कलर की दिखती है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। उसे भी आप ज़मीन पे गमले में या बोनसाई बना सकते हैं। ये पौधे देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इनको थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि इनकी लीफ में डस्ट इकट्ठा हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का रिव्यू था। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।